वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैम स्टूडियो के हवाले से बात करते हैं। कैम स्टूडियो यू नो वेल कि ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसमें हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि शुरू शुरू में जब हम इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये वीडियो कहाँ पर जा रही है। यानी जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग के बाद हमको पता नहीं चलता कि ये वीडियो हमारी कहाँ पर सेव हो रही हैं, और हमारी जो स्पेस है यानी वो सी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, तो स्पेस है वो बहुत जल्दी कम हो रही होती है। तो जैसे कि मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो मेरी इतनी ज़्यादा स्पेस जो है ये रेड लाइन भी क्रॉस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट देख लें कि क्रॉस कर चुका हूँ रेड लाइन, और बहुत ज़्यादा जो है ये स्पेस भी लेती हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती ये कहाँ पर डाउनलोड हो रही होती हैं। तो याद रखें कि ये जो कैम स्टूडियो है इसकी जो वीडियोस हैं ये आपकी विंडोज़ फाइल के अंदर जा रही होती हैं। यानी विंडो के अंदर कैसे जा रही होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ, और आप वहाँ से इनको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने अभी आप देखें कि ये 541-42 को इतना 541 यानी इतना जो इतनी जो है स्पेस है। तो मैंने इसको सिर्फ चेक किया था, इस कैम स्टूडियो को सिर्फ टेस्टिंग मोड के लिए इस्तेमाल किया, तो ये 2-3 GB जो है मेरी स्पेस जो है वो इसने ख़त्म कर दी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिक कहीं पर फाइल सेव होती रहती हैं। कहाँ पे होती हैं वो जगह देखते हैं। सबसे पहले दिस पीसी, मैं सी के अंदर आता हूँ सीधा। सी के अंदर आप विंडोज़ ये देखें, इस विंडो के अंदर ये सेव होती हैं। विंडो में आप TEMP के नाम से एक फोल्डर होगा, TEMP के नाम से, ठीक है जी। ये यहाँ पर होगा, ये है आपके सामने, ठीक है। ये TEMP आप देखें 2.08 GB, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें ये सारी फाइल जो है ना, ये देखिए कितनी ज़्यादा फाइल इसने ऑटोमेटिक जो है वो इस जगह पे ला के रख दी हैं। तो इनको मैं आप डिलीट करता हूँ सबको, एंड कंट्रोल ए सेलेक्ट एंड डिलीट इट। तो ये डिलीट हो रही हैं अभी, ये सारी जो हैं ये कैम स्टूडियोज़ की फ़ाइल हैं जो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो गई हैं। तो शुरू में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ ये फाइल जाकर सेव हो रही हैं। तो ये अभी कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी मैं रिसाइकल बिन जो है इसको मैं एम्प्टी करता हूँ, ताकि रिसाइकल बिन से भी ये निकल जाएं मुकम्मल तौर पर। तो जस्ट वन ये चली गई हैं, और अब चेक करता हूँ जी। आप देखिए कि 2.58, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कितनी ज़्यादा ये स्पेस इसने घेरी हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।